अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो अभी हमारे पिजन्स यहाँ पे बैठे हुए हैं और दोबारा अंडे देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और ये हमारे दोनों पिजन चिक्स है। खुशखबरी, हाँ जी, बच्चे तो बड़े हो गए हैं ना। हाँ जी, ये तो अपने नेस्ट बना लिए, नेस्ट बना रहे अभी अभी इन्होंने एग देने हैं। इसलिए तो रोज इस तरह के बैठे थे। अभी मुझे के मुंह में ना कबूतर के मुंह में इसके जो ढेर नहीं होते, हाँ जी, वो उसके मुंह में ना उसने इतना करके अपने कैच की तरह रख लिया। अच्छा, ये अपने एग देने वाले हैं। अच्छा, तो भाई तो अभी क्या कहने लगे वैसे ना? मैं रैबिट यहाँ पे हैं, मैं रैबिट ना वो ज़्यादा खाना खाया करते हैं। देखो बंद कुछ पापा ने तीन पीस डाले थे, पता नहीं किस तरह खाइए थे, सारा का सारा थोड़ी सफ़ा चट कर दिया। बंद को पता नहीं क्यों नहीं खा रहे। एक तो वो कैसे लेटा हुआ है बड़े मज़े से, नहीं लड़के लड़के नहीं लेटते इंसान उल्टे होकर वैसे लेटा हुआ है। चलो टैक्स खोल लो। कहाँ से निकलेंगी? आपकी भी अजीब लॉजिक है। उठाओ इसको क्रेट को, उसके ऊपर रखो। हमारा पिजन बाहर आया है, इसको दाना डाल देते हैं ऊपर ही। पहले इतना डाल के लाया नहीं करेंगे, फिर इनका आपको नेक्स्ट दिखाएंगे हम। तो हमारे पिजन्स कैसे खाना खा रहे हैं? तो मैं लाइट ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको इनमें नजर आ जाए। ये तो इसने इकट्ठे किए हैं, एक तीन का इकट्ठा किया था ना, एक दो तीन है। तो ये हमारा पिजन अंदर भाग रहा है। ये डक्स है हमारी, डक्स खाना खा चुकी हैं, इनके पोते फूल ने। अभी ईद का चांद नजर नहीं आया, अभी मौसम है नॉर्मल सा और अभी तक हमें कोई मिला नहीं जो ये लेने के लिए एक्सेप्टेड हो जाए। इनको कोई लेने के लिए है ही नहीं किसी का भी इरादा, ये बड़े गंजे बच्चे। हमारी पिजन कैसे खाना खा रही है? फीमेल विद मेल। तो अभी हमारे पिजन रोटी खा रहे थे। तो आज आपको एक बात बतानी थी, ये हमारे हमने प्लांट लिए हैं सुबह, ये एलोवेरा का है, ये अंगूरों की बेल है, ये मनी प्लांट है और ये सुबह से बत्तियाँ इसको खाने पे तुली हुई हैं और मुर्गे देखिए सारे पत्ते इन्होंने खा लिए। तो ये देख सकते हैं आप कैसे इन्होंने सारा कुछ खा लिया। ये वाली शाख भी खा ली है, ये वाली भी खा ली है, ये वाली भी खा ली है और ये वाली भी खा ली है। क्यों भैया असन साहब आप तो कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ दादू घर। तो व्लॉग आज मैंने अकेले ना बनाना? हाँ जी, आज में छुट्टी हो गई है, आप लोगों का सलाम दे दिया मैंने, अल्लाह हाफिज़। तो ये अब हमने इसको अंदर रखा हुआ है, अब हम इसके लिए जाली लाएंगे और जाली ला के यहाँ पे इसको लगा देंगे। उस तरह की जाली लाएंगे हम, गोल गोल लगा देंगे और यहाँ पे इसके यहाँ पे इर्द गिर्द लगाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ताकि डक्स भी ना इसको खाएं, मुर्गा मुर्गी भी ना खाएं, खरगोश भी ना खाएं और ये तो खाते हैं। शरीफ जितनी है ना मुझे उसका पता है, गुस्सा आता है मुझे। अब मुर्गा खाता मुर्गी तो नहीं खाती, मैंने मुर्गी खाते देखा ही नहीं, मुर्गा सिर्फ खा। मैंने तो देखा है ना भाई, आज आया और आप कह रहे हो आज देखे यार। वाह यार, अभी एकेडमी गए थे यार, क्या झूठ क्यों बोलते हो यार? मुझे तो छुट्टियां हो गई। झूठ बोलते हो? मुझे तो छुट्टियां हो गई हैं भाई, कल होगी। इसलिए आज जल्दी गया। अभी जब मैं आया था ना तब यहाँ पे पौधा था, मुर्गी यहाँ पे इसको ठूंगे मार रही थी और आप अंदर थे। बेटे यहाँ पे था ठीक है, और मुर्गियाँ मुर्गी यहाँ पे थे, मैं गुड़िया वहाँ पे बैठे हुए हैं फोन देख रहे थे, और आप किस चीज़ के बारे में कह रहे हो? हमने एहसान साहब ना भूल चुके हैं,
इनको कुछ याद नहीं रहता, इनको भूलने की बहुत आदत है। तो अभी इनको छोड़ें आप, डर डर के खा रहे हैं। मैंने कहा जब यादों से बात की तो अल्लाह हाफिज। डक्स भाई, अब आप लोगों ने खाया ना उसको तो आपकी खैर नहीं है, समझ आई ना? तुम दो लगी भी उसकी पूछ कितनी बड़ी होगी, उसकी भी उसके अलावा बड़ी इसकी छोड़ी है। ये तो पूछ पूछ वो ब्लैक निकल रहा है दुनिया से, ब्लैक का बीच में ब्लैक ही है हमारे बड़े भाई, ये वाइट है, ये ब्लैक है और ये दोनों ही ब्लैक हैं। तो गाइस आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है अंगूरों की बेल हमें कहाँ पे लगानी चाहिए, मनी प्लांट की कहाँ पे लगानी चाहिए और इसकी कहाँ पे लगानी चाहिए। मनी प्लांट की हम सोच रहे हैं कि इधर लगा दें और वो जो उनसा अंगूरों वाली है उसको हम इधर लगा दें और वो जो उनसी वो वाली है उसको हम इस पूरी दीवार पे लगा दें। और एलोवेरा तो ऐसे ही पड़ा रहेगा बेचारा, बड़ा होगा कौन एलोवेरा? वो अभी भी वैसे ही लेता और ये खाना खा रहा है। बुढ़े को क्या बोलते हैं एलोवेरा को? एनामेना जल है, एलोवेरा जल है, एलोवेरा जल है, मैं एलोवेरा जल है। अच्छा तो अभी गुड़िया को भी बुलाएंगे हम। तो अभी यहाँ पे हमारे बड़े भाई छोटे भाई का बंद होने का टाइम हो चुका है और ये खुद ही शराफत से अपने केज में चले गए हैं। थोड़ा सा और अंदर जाओ बस, बड़े भाई चला गया ना। ओए 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 बाहर नहीं, बाहर नहीं, बाहर नहीं, बस ठीक है शराफत से चले गए। मुर्गा मुर्गी सब हाँ खोल ही देते हैं उनको भी। तो अभी यहाँ पे बड़ा बस स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर से इसको हम खोलेंगे कुछ इस तरह से। यार कैसे खुलता है? खुल के आज़ाद हो गए। इसको खाना बच्ची तुम्हारी खैर नहीं है, बाकी जो मर्जी खाओ इसको नहीं खाना। एहसन साहब अभी तक नहीं गए, शायद इसका जाना मैं कैंसिल कराता हूँ। अच्छा काका जी, इस पौधे का क्या नाम है? क्या है? अच्छा ये अंगूरों की बेल का क्या नाम है, क्या कहते हैं इसको? अंगूरों की, अंगूरों की बेल बोलो, अंगूरों की बेल। ये मनी प्लांट की बेल है, इसको भी कैसे बोलते हैं? मनी प्लांट की बेल बोलो, इसको बोलो वाइट फूलों वाली बेल। वो जो सा एलो वाला उसको क्या कहते हैं? एलो वाला जला कहते हैं। ठीक हो गया, अब आप जा सकते हैं। इसको कहते हैं वाइट फूलों वाली, वाइट फूलों वाला। यार क्या गाथा भूल गया सारा, शिट मैन। तो अभी यहाँ पे हमारे पिजन्स यहाँ पे बैठे हुए हैं यूं छुप के और ये इनके पिजन चिक्स हैं हमारे। पिजन चिक्स मेल फीमेल, फीमेल का यहाँ पे ऐसा बना हुआ है, इन दोनों के बनता नहीं, उन दोनों के भी नहीं था। मुर्गा साहब ना दिन ब दिन बदमाश होते जा रहे हैं। बिल्ली के छिछले रखे थे यहाँ पे बाहर, दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रह गया, इतना सा गर्दन निकाल के छिछरा खा गया। ये बड़ा ही आजकल ना खूंखार ही बन रहा, खूंखार। इसको ना मार पड़ने वाली बात है और कोई भी बात नहीं। मुर्गा जी को छिछरा खा गया जी, कच्चा खा भी पता कहाँ पे हुआ था? यहाँ पे पड़ा हुआ था। कितने रखा है? ओ बिल्ली के लिए जो रखते थे। अच्छा यार ने फुल फाइटर बन जाना, अभी इसने बड़ा मारना, बड़ी मारना, बड़ी मारेगा इसको, डंडे पड़ेंगे। उसने इधर आ, उसने भाई को वो पोर खींचो तो बाबू ने कुछ चोरी किया, वाइपरों से डंडे, वाइपरों से मारा ऐसे। अगर फिर हम
मेरे मामा के पीछे आके छुप के समझ के बैठ गई। मैं पैर के मम्मा के पीछे जाके इतना डर बोल रही बेटा, इतना डर तो करूँ कि इतना गुस्सा आता है ना और गाइस हमें डांट दी थी, सुन के कितना गुस्सा आता है। क्या ये करी जा। तो यहीं पे करते हैं इस ब्लॉग को एंड। अल्लाह हाफिज़। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। अल्लाह हाफिज़। और हमें कमेंट में बताएं हमें कौन सी बेल कहाँ पे लगानी चाहिए, और ये वाली कहाँ पे, ये वाली कहाँ पे, ये वाली कहाँ पे, और एलो वाला जेला कहाँ पे लगाना चाहिए हमें।